गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास सिक्स को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया एसएसटी है और डेट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेसन वन चल रहा है हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये आपका टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर ओल्ड पीसेज ऑफ थिंग्स और बिलोंगिंग्स ऑफ पीपल। आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो चीज़ों का क्या होता है, जो चीज़ होते हैं, जो लोगों से संबंधित जो भी चीज़ होते हैं उन्हीं को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। दे इंक्लूड पॉटरी, ज्वेलरी, टॉयज, सील्स, पीसेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर रिमेन्स विच द पीपुल यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। यानी जो चीज़ भी लोग अपनी ज़िंदगी भर में यूज़ करते हैं, पॉटरी यानी मिट्टी का बर्तन जो है, ज्वेलरी यानी जेवर जो है, टॉयज खिलौने जो हैं, सील्स मोहर जो हैं, पीसेज ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों का जो भी टुकड़ा है वो, एंड अदर रिमेन्स और जो भी पुरानी जो भी चीज़ें, जो बची हुई चीज़ें हैं, विच द पीपुल यूज यानी जो लोग यूज़ करते हैं अपने पूरे ज़िंदगी में, यानी जो चीज़ भी लोग यूज़ करते हैं उसी को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। जो चीज़ें लोगों से संबंधित हैं उसी को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। दिस अगेन टेल अस अ लॉट अबाउट द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। और आर्टिफैक्ट्स जो है वो बताते हैं इंसानों के सामाजिक जीवन के बारे में, उनके सांस्कृतिक जीवन के बारे में और उनके आर्थिक जीवन के बारे में। अ वास्ट होर्ड ऑफ आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग ज्वेलरी, एक बहुत विशाल ढेर जो है वो आर्टिफैक्ट्स का यानी लोगों के चीज़ों का मिला है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। देखिए, ज्वेलरी का मतलब जेवर होता है, सील्स मिले हैं, मोहर मिले हैं, उनका इस्तेमाल लोग पुराने ज़माने में करते थे, पॉटरी मिले हैं यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, टेराकोटा टॉयज, टेराकोटा के जो टॉयज बनाए जाते थे यानी खिलौने बनाए जाते थे वो मिले हैं, एंड ब्रॉन्ज इमेजेस और जो कांसे की मूर्तियां जो बनाई जाती थी वो मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं, यानी उस समय लोग जो हैं इन सारी चीज़ों का यूज़ करते थे और ये सारी चीज़ें जो हैं उन लोगों से संबंधित थी, और इन्हीं सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो उन लोगों से संबंधित थी इसी को आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। द डिस्कवरी हेल्प्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियन टू कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्टेड अ वेल डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन। और ये जब सारी चीज़ें मिली तो इससे इतिहासकारों को और आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये पता लगाने में मदद मिली कि वहाँ की जो जीवन जो थी वो गांव वाली जीवन नहीं थी, बल्कि वो लोग एक अच्छा शहरी जीवन जीते थे, विच वी नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।